आज एक वीडियो सामने आया जहां पर एक दुल्हन की बात करें तो अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी और बारातियों का इंतजार कर रही थी, पर पता चला कि बाराती जो हैं वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे हुए हैं घंटों के जाम पर। आए दिन देखने को मिलता है, चाहे हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, कभी मौसम जो है वो करवट ले लेती है जिस वजह से यातायात पर असर देखने को मिलता है, या कई बार लैंडस्लाइड जो है रामबन के उन तमाम जहां पर इस तरह शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला देखने को मिलता है, या लैंडस्लाइड्स रहती है उन प्रोन एरियाज की बात करें तो अक्सर जाम जो है लगा रहता है। और आज भी इसी तरह का वाकया पेश आया जहां पर एक दुल्हन जो है अपने दूल्हे का इंतजार ही करती रह गई क्योंकि दूल्हा जो है वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंस चुका था। सबसे पहले उन्हीं की दूल्हे की बात सुनाना चाहूंगा। ये आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जो आज सुबह जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति में सामने आई, जहां पर काफी ज्यादा जान देखने को मिला। और इसी जान की अगर बात करें तो बाराती फंसे हुए थे, सुबह फंसा हुआ था और उनका बार बार कहना था कि उसे जाने की इजाजत। जी बताएं जी, कहां जा रहे हैं, क्या परेशानी आपकी है? हम पंचारी जा रहे हैं। तो कितने बजे का मुहूर्त है आपका? 10 बजे का। तो अब क्या बोला जा रहा है, आपको कितने टाइम तक रुकना है आपको यहाँ पे? सर हमें तो उधर 10 बजे पहुँचना है, जैसे भी पहुँचे इधर हमें छोड़ नहीं रहे हैं सर। अब बोल क्या रहे हैं यहाँ पे? बोल रहे हैं अभी आधा घंटा और रुकना पड़ेगा आपको। क्या कहना चाहेंगे आप? सर हमें छोड़ दिया जाएगा दो गाड़ी, बाकी जो चार गाड़ी पीछे उनको चलो बाद में छोड़ेंगे, जो दो गाड़ियाँ इनको जरूर से जरूर छोड़ना पड़ेगा इनको। अगर नहीं छोड़ा तो? नहीं छोड़ेगा तो इनको पूछ लीजिए सर, इनकी ये कार्रवाई की जाएगी। बताइए कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट के बठन पंचायत से आया हूं और बरात लेके पंचारी पहुंचना है, लेकिन सुबह से गाड़ियों के जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो जाम लगा है और आगे हमने पंचारी जाना है और वहां से शाम को वापस भी आना है, लेकिन अभी तक रामबन में ही हम यहां पर जाम में फंसे हुए हैं। कौन सी जगह पे रुकाया और क्यों रुकाया? करोल, रामबन के करोल में रुकाया हुआ है और बता रहे हैं कि यात्रा की जो कानवाई आने वाली है इसलिए आपको यहाँ पर रुकाया हुआ है। कितने टाइम से आप यहाँ पे रुके हुए? सुबह अभी काफी तकरीबन 3 घंटे यहाँ पर, हमको 4 घंटे हो गए यहीं पर सुबह से। तो आपने सुना कि बारातियों का क्या कुछ कहना था, उस दूल्हे का क्या कुछ कहना था जो कि रामबन से पंचारी जो है बारात लेकर जा रहे थे और काफी वक्त तक सुबह जो है इसी तरह से फंसे रहे, उन गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही थी। और हालांकि दूल्हा का ये साफ तौर पर कहना था कि उसका वहां पर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे बाकी गाड़ियों को रोक दिया जाए पर एटलीस्ट दो गाड़ियों को जो है जाने की इजाजत जो है वो दी जाए। तो आप सोचिए लोग कितना परेशान होते हैं, काफी साल बीत चुके हैं पर उसके बावजूद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो काम है वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो पा रहा, चाहे हम तमाम बाकी इलाकों की बात करें, कई लोग हैं जो अपने इलाज के लिए कश्मीर से जम्मू आते हैं, जम्मू से कुछ लोग कश्मीर जाते हैं, कई बार इसी तरह घंटों जो है ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, या कई बार जब तक ट्रैफिक मूवमेंट को अलाउ नहीं किया जाता लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिलती हैं। और इसी बीच आज ये अनोखा वाक्य हुआ जब एक दूल्हा भी इसी तरह जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों के लिए सुबह फंस चुका था, और जहां पर बारातियों का ये कहना था कि उनका मुहूर्त 10 बजे का है और वहां पर पहुंचना उनका बहुत ज्यादा जरूरी है पर उन्हें आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही थी। हालांकि ये दूल्हा था, कई बार आप सोचिए कि इस तरह पेशेंट्स होते हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और तभी देखा जाता है कि इस तरह तमाम पेशेंट्स भी कई बार अपनी जानें जो है वो गंवा देते हैं, और इसी कारण की वजह से कि घंटों तक जो है इसी तरह से ट्रैफिक को रोक दिया जाता है कि आगे काम चल रहा है, या तमाम अलग अलग जो है कोई भी वाक्य जो है वो पेश आए। और कई बार एग्जाम्स की बात करें वो स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा था क्योंकि एक दूल्हे की ये कहानी थी जहाँ वो अपने बराती जो है वहां पर पहुंचना चाहते थे पर जो है समय रहते वहां पर नहीं पहुंच पा रहे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, और आप देखते रहें चेक न्यूज़ पंडित।